नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, आज मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूं आज आपका कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पार्ट्स होते हैं स्पीच के, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनके बारे में हम पुराने काफ़ी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो आज इस वीडियो में आपका टेस्ट होने वाला है कि आप इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने अच्छे तरीके से आपने समझा है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये हैं गाइस वो आपके क्वेश्चंस जो आपको बताने हैं। देखिए, करना क्या है आपको। दोस्तों, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन है, तो आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है। ठीक है दोस्तों, तीन ऑप्शन मिले हैं आपको, हर एक स्टेटमेंट की सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों हमारा, शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम शुगर। तो दोस्तों, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है हमारे वेंट एंड बॉट। तो दोस्तों, आपको बताना है वेंट और बॉट क्या है, या तो ये वर्ब है, या तो ये नाउन है, या तो ये एडजेक्टिव है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे, सही जवाब आपको मैं बता दूंगा। तो पहला है दोस्तों आपका, शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम शुगर। अब दोस्तों, आपको बताना है वेंट और बॉट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। 3 सेकंड शुरू होते हैं दोस्तों आपके, 1, 2, 3। गाइज, द करेक्ट आंसर इज वर्ब। ये दोनों वर्ब है, वेंट एंड बॉट दोनों वर्ब है। अगला है दोस्तों आपका, बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन पब्लिक हॉलीडेज। यहां पे आपको बताना है ऑन क्या है। ऑन या तो वर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है। 3 सेकंड है दोस्तों आपके पास, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज प्रीपोजिशन। यहां पे ऑन एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। यहां पे हुर्रे क्या है दोस्तों, हुर्रे जो है क्या है, नाउन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एडजेक्टिव है। 3 सेकंड है दोस्तों, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज, ये एक इंटरजेक्शन है, हुर्रे एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, द रिच लेडी बॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। द रिच लेडी बॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। यहां पे आपको बताना है रिच और ब्यूटीफुल, ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव है, या फिर ये दोनों कंजंक्शन है। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव हैं दोस्तों, एडजेक्टिव हैं ये दोनों। ठीक है, अगला है, शी फ्रीक्वेंटली गोज टू द बीच। शी फ्रीक्वेंटली गोज टू द बीच। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों फ्रीक्वेंटली क्या है, फ्रीक्वेंटली वर्ब है, कंजंक्शन है, या फिर एडवर्ब है। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज एडवर्ब। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्या है आपका, एक एडवर्ब। तो अगला है दोस्तों आपका, I drank a glass of water because I was thirsty. I drank a glass of water because I was thirsty. अब आपको यहाँ पे बताना है ये because जो है ये क्या है दोस्तों, ये conjunction है, adjective है, या noun है। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3। The correct answer is guys, ये एक conjunction है, because एक conjunction है। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं explanation नहीं दे रहा हूँ दोस्तों कि कौन सा word क्यों है, क्या क्यों है, क्योंकि ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। जिन्हें नहीं पता, वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, यहाँ पे योरसेल्फ क्या है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, या फिर एक एडजेक्टिव है। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज योरसेल्फ इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, माई ब्रदर विल बी हेयर नेक्स्ट वीक। माई ब्रदर विल बी हेयर नेक्स्ट वीक। दोस्तों, यहां पे आपको बताना है ब्रदर क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन नाउन, और इट्स एन प्रोनाउन। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज गाइज नाउन, ब्रदर इज अ नाउन। ठीक है, अगला है दोस्तों, इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट आपका प्रीपोजिशन है, नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है। दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास, 1, 2,
थ्री. द करेक्ट आंसर इज गाइज, ये एक एडजेक्टिव है. डिफिकल्ट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है. आई वॉन्ट टू गो नाउ. आई वॉन्ट टू गो नाउ. यहाँ पे नाउ क्या है, एन ओ डब्ल्यू नाउ क्या है, आपका वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है. दोस्तों तीन सेकेंड है आपके पास. वन टू थ्री. द करेक्ट आंसर इज गाइज, ये एक एडवर्ब है. तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे दोस्तों हमारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी. आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आपके कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो चुके हैं. जिनको थोड़े से भी गलत हुए हैं जिनके आंसर्स, वो अभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस देख सकते हैं. तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा. तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.